आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह जाकर जो भी महानगर पालिका है उस महानगर पालिका द्वारा शहर की खस्ता हाल, शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर विशेष तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने एक विशेष दौरा किया। ऐसे में आज वह दौरा भिवंडी की ओर आता हुआ नजर आया। हम आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे महाराष्ट्र में शहर की स्वच्छता हालात और बेशुमार समस्याओं के समाधान को मद्देनजर शहर के जागरूक सुशील और शिक्षित वर्ग के साथ शहर की उन्नति के लिए मीटिंग का आयोजन अशोक नगर के पार्टी हॉल में किया गया। ऐसे में हम आपको बता दें इस कार्यक्रम के आयोजक जो थे भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू जी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम आपको बता दें कि सांसद वंदना ताई चौहान, MLC विद्या ताई चौहान का आगमन हुआ। उनका स्वागत सबसे पहले तो पुष्पगुच्छ देकर किया गया, उसके बाद शहर में जो समस्याएं हैं उनके समक्ष रखी गई। वहीं वंदना ताई जो कि एक सांसद है, उन्होंने अपने वक्तव्य में शहर वासियों के लिए एक खुशखबरी का पैगाम देके गया। हम आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में फंड ना होने के कारण शहर की हालत बस से बदतर हो चुकी है। शहर में बात की जाए स्वच्छता की तो पूरी तरह दिखाई नहीं देती, साथ ही साथ आज जो एक मुहिम चलाई जा रही है वो वाकई तारीफ़ काबिल है, लेकिन आज भी गली कुचे में कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में हम आपको बता दें कि वंदना ताई चौहान ने अपने वक्तव्य में भिवंडी शहर वासियों के लिए एक बड़ी रकम की निधि देने का सब अपने वक्तव्य में दिया। उन्होंने भरी सभा में इस तरह की बात कहकर भिवंडी शहर वासियों का मुंह मोड़ लिया। शहर में विकास के कार्य के लिए जो भी फंड लगेंगे सांसद वंदना ताई चौहान अपने जो उनके सांसदीय फंड है वो देने की बात कही। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो सांसद हैं वंदना ताई चौहान, MLC विद्या ताई चौहान, इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे मोहम्मद खालिद गुड्डू, अनिल फड़तड़े यहां पर उपस्थित थे, और कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो हसनैन फारूकी, साकिब अंसारी, गुलाम खान, यासुद्दीन अंसारी, मुमताज अंसारी, स्वाति कामले, खुर्रम अंसारी, अबरार अंसारी, इरशाद अंसारी, अफान मुल्ला, अबुजर बाला सहित कई ऐसे मान्यवर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए सांसद वंदना ताई चौहान और MLC विद्या ताई चौहान जी ने हमारे चैनल के माध्यम से भिवंडी शहर वासियों के लिए जो निधि उपलब्ध कराएंगे उसको लेकर क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट। गर्भवती स्त्री होती है उसके लिए हॉस्पिटल बनाया गया है, उसकी डिलीवरी नहीं हो सकती, वो अगर खानी जाना चाहती है वो बेचारी निधन भी उसका होता है। आपको मालूम नहीं कि अपने इंडिया के कई पैरामीटर्स निकाले जाते हैं और वो पैरामीटर जग भर के रहते हैं कि उसमें ऐसे लिखा है कि इन्फेंट मॉर्टैलिटी यानी जन्म का बच्चा मर जाता है उसका प्रमाण सबसे ज्यादा कहाँ होगा, भारत में है। वही में आने वाली और जब भी डिलीवरी होती है डिलीवरी के बाद डिलीवरी के बाद सबसे ज्यादा महिला कहाँ मैं निधन का होता है उनका, वो इंडिया में है। मैं पूना देखती हूँ, मैं ठाणे देखती हूँ, मैं बम्बई देखती हूँ, मैं कल्याण डोंबिवली देखती हूँ, मुझे ऐसे दिखाई नहीं देता है कि कहाँ होता होगा ये, मुझे अभी समझ में आया कहाँ होता है ये सबसे ज्यादा भिवंडी जैसे शहरों में होता है। इसलिए अगर हमें हॉस्पिटल चाहिए, ये हमारा हक बनता है कि हमें हॉस्पिटल अच्छे मिले। हम सेल है वो हमारी खासदार वंदना ताई चौहान, जयंत पाटिल, हम सब लोगों के जो शहरों की समस्याएं, जो बढ़ती हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोगों ने ये सेल की स्थापना की है, और इसी तहत हम लोग मुंबई के आसपास जब भी 8 नगर महानगर पालिका है वहाँ पर हम लोग विजिट दे रहे हैं, और इनकी हालत देखेंगे तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन भिवंडी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। भिवंडी में कुछ विकास हुआ ही नहीं। भिवंडी को जो मोदी सरकार है, फडणवीस सरकार है, इन्होंने सौतेलापन की भूमिका यहाँ पर निभाई है। इस शहर के लिए जो माइनॉरिटी जो रहते हैं उनका भी विकास होना चाहिए, वो भी हमारे देश के नागरिक है। यहाँ पर अस्पताल होने चाहिए। बहुत सारी महिलाओं ने यहाँ पर ये बताया कि हमें अगर डिलीवरी करना है तो यह अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है,
यहाँ की रास्ते की हालत इतनी ख़राब है, महानगर पालिका कुछ काम नहीं कर रही है, 1,000 करोड़ का यहाँ बजट है, तो यही सारी समस्याओं के लिए, ये सुलझाने के लिए राष्ट्रवादी का ये अर्बन सेल बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। हमारे अध्यक्ष खालिद भाई गुड्डू जी है और उनकी सारे साथी है, टीम है, पहले के जो नगर सेवक है, बहुत सारे काम करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। यहाँ की जो इलेक्ट्रिक की जो टोरेंटो जो कंपनी पावर कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, लोगों को लूटने का काम किया है। तो ये फडणवीस सरकार को हम लोग मिलने जाएंगे, यहाँ की जो भी समस्याएं हैं वो किस तरह से, क्योंकि पावर लूम की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ लूम चलाने वाले कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, यहाँ पर लूम का सब बिजनेस बंद है, तो ये जो कारागिर है वो कहाँ जाएंगे। इस शहर की समस्याओं को अच्छी तरह से सुलझाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन फडणवीस सरकार और मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये इस शहर का जो भी समस्याएं हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस हम लोग यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके, ये जो यहाँ के कमिश्नर है, आयुक्त है, जो कोई मेयर है, क्योंकि ये महानगर पालिका है, इन्होंने काम करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे होते, अगले 1 महीने के अंदर हम लोग उनको अपॉइंटमेंट लेके उनको मिलेंगे, इस शहर की 5 बड़ी समस्याओं को लेकर जाएंगे और उनको ये कहेंगे कि भाई ये जल्द से जल्द आप सुलझाओ। अगर नहीं सुलझाते हैं तो हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और इस शहर की हालत जो बोल रहे हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, तो विकास कहाँ गया है? विकास हमें भिवंडी में मिला, हम लोग पूरे देश में विकास देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, मुंबई शहर में नहीं, कल्याण डोंबिवली में नहीं, उल्लास नगर में नहीं, तो ये विकास हमें भिवंडी में आज मिला है। और मोदी साहब को ये कहना पड़ेगा, इधर आइए और देखिए कि कितना अच्छा विकास आपके लोगों ने किया है। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जो शरद पवार साहब ने, हमारे जयंत पाटिल जी ने जो हमें यहाँ पे काम दिया है, पूरे जिम्मेदारियों के साथ हम लोग निभाएंगे। खासदार वंदना तई चौहान अपने फंड से, उन्होंने 1 करोड़ रुपया भिवंडी के लिए जाहिर किया है, मैंने भी अपने फंड के लिए बच्चों के लिए कंप्यूटर्स हो, चाहे कुछ भी सुविधा हो, हम लोग हमेशा इस शहर में आएंगे, इसका जो है इसमें क्या काम हो रहा है क्या नहीं वो खुद देखेंगे। यहाँ गार्डन्स होने चाहिए, बच्चों के लिए प्ले ग्रुप्स होने चाहिए, यहाँ पर शिवसेना के आमदार है, भाजपा के आमदार है, खासदार भाजपा का है, लेकिन ये कुछ काम नहीं कर रहे, क्योंकि इनको शायद ऐसा बोल के रखा है कि यहाँ माइनॉरिटीज है ना, इनके लिए काम मत करो। तो ये सब भारतीय है, हमारे देश के नागरिक है, इनके लिए सुविधा होनी चाहिए, चाहे भाजपा का आमदार हो चाहे भाजपा का खासदार हो, हमको ये कहना है कि अगर वो लोग नहीं करते हैं तो हमारी खासदार वंदना तई चौहान है, मैं हूँ और हमारे साथ पवार साहब है, कई लोग जुड़ जाएंगे, तो ये भिवंडी शहर का विकास हम लोग लाएंगे। लेकिन इसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी, पर्यावरण का मुद्दा है, गार्डन्स होने चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन पहले लोगों को जीने के लिए सहारा मिलना चाहिए, पावर लूम चालू होनी चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मुद्दा है, हम लोग पहले देवेंद्र फडणवीस जी के पास और जो क्या उनका नाम बावन कुड़े जी है, उनके पास भी हम लोग जल्द से जल्द मीटिंग रखेंगे। हर मंगलवार को मैं कैबिनेट की मीटिंग के बाद हमारी शहरों की समस्याएं लेके उनको मिलना जाती हूँ, इसके साथ अभी भिवंडी के लोगों को भी मैं लेके जाऊँगी, हमारे साथ खासदार ताई को जब भी टाइम मिलेगा वो भी आएगी, लेकिन ये भिवंडी शहर का विकास आगे चल के कुछ सालों में आपको नज़र आएगा। था कि भिवंडी शहर में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यहाँ हेल्थ के इश्यूज़ है, अभी कई लोगों ने कहा कि हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर एक प्रेग्नेंट लेडी हो, उसका डिलीवरी हो, तो उसको थाने जाना होता है और उसमें कभी कभी उसकी मौत भी होती है, बच्चों की मौत होती है, तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। स्कूल्स के लिए भी स्कूल्स है लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर जूनियर कॉलेज जाना हो तो थाने जाना पड़ता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत है। स्कूल में बच्चे जाते नहीं है, गर्ल्स जाते नहीं है क्योंकि वहाँ टॉयलेट्स नहीं है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही है, कॉरपोरेशन ने इसको एड्रेस करना चाहिए था, उनका बजट काफ़ी अच्छा है, तो अगर एड्रेस नहीं कर रहे तो नेचुरली हमारा तो कॉरपोरेटर यहाँ नहीं है भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, यहाँ सब बीजेपी शिवसेना के लोग घुसे हुए हैं, तो ये काम नगर नहीं कर रहे, तो हम हमारे खासदार निधि से ज़रूर कुछ न कुछ मदद करना चाहते हैं, इसलिए खालिद गुड्डू जी को मैंने कहा है कि आप लिस्ट बनाए प्रॉब्लम्स की और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बच्चों के एजुकेशन के लिए और सब युवा पीढ़ी जो है उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं वो, और हम गवर्नमेंट की ओर से प्रयत्न करेंगे, वहाँ तो
निधि मेरा यूटिलाइज नहीं हो सकता है, लेकिन लूम्स वापस कैसे शुरू हो जाए, उनका जो टोरेंट से की ओर से जो प्रॉब्लम है वो सुलझाने के लिए भी हम प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन जो कुछ भिवंडी वासियों को हमारे पक्ष के सब पदाधिकारी मुझे जो लिस्ट देंगे उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, मैं ज़रूर उसके लिए 1 करोड़ का फंड दूंगी, ऐसे मैंने उनको अभी लोगों को बताया है। सबसे पहले मैं वंदना ताई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आज 10 सालों में 2008 से मैं जिला अध्यक्ष हूँ, पहली बार एक MLC और एक खासदार इस शहर के मसले मसाइल को सुनने के लिए, यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक बड़ा फंड का ऐलान किया है। इसके पहले हमारी सत्ता भी थी, महाराष्ट्र में सत्ता होने के बाद भी हमको इतना बड़ा फंड MLA और MP का कोई बजट या फंड हमको नहीं मिला, मगर अभी जो फंड ताई ने ऐलान किया है उसको जो गरीब बस्तियों में जहाँ पे एजुकेशन का प्रॉब्लम हो, जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम हो, जहाँ पे कब्रिस्तान का प्रॉब्लम हो, जो भी शहर की बड़ी समस्या और जहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी में अपन वो काम करके लेंगे इनके फंड से। और हम इनको फिर से शुक्रिया अदा करेंगे कि ऐसे ही अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ताकत दी जाएगी, हर कार्यकर्ताओं को, हर पदाधिकारियों को ताकत दी जाएगी, तो राष्ट्रवादी आने वाले दिनों में यहाँ पे और बहुत मजबूत होगी और कॉरपोरेशन में राष्ट्रवादी का झंडा फटेगा। ऐसा मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।